वाले हाई को नोटिस ना किया जाए कि इसका अपर बैंड है। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। हम बात करते हैं HDFC लिमिटेड की, जहां पे मैनेजमेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये बात बोल रहे हैं कि बहुत बेनिफिट्स हैं एक्चुअली मर्जर के। और कल एनुअल रिपोर्ट आई संजीव, HDFC लिमिटेड की जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसमें भी उन्होंने बताया कितना इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद होगा ये मर्जर, कंबाइंड एंटिटी कैसे अपना लोन बुक 5-5 साल में डबल करेगी। कल भी लोन बुक के बारे में, लोन बुक ग्रोथ के बारे में काफ़ी पॉजिटिव गाइडेंस आई है एनुअल रिपोर्ट से दीपक पारिक जी की। आपने इस मर्जर के बाद, ओके संजीव होता चले गए, कोई बात नहीं, हम इसको एनालाइज करेंगे अपने दूसरे फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ। अभी हम वापस जाते हैं चार्ट्स पे, अजीत से डिस्कस कर लेते हैं HDFC लिमिटेड में क्या हो रहा है, HDFC बैंक। इनफैक्ट अगर आप देखें डेज हाई की तरफ HDFC लिमिटेड आता जा रहा है और 25-30 रुपये का इंटरडे अपमूव अभी ऑलरेडी मिल गया आपको। और HDFC बैंक भी लेके आइए, उसमें भी बाय ऑन डिप्स बहुत तगड़ा चल रहा है, 1400-1350 से ये देखिए डेज हाई की तरफ, इसमें भी 20-25 रुपये का अपमूव आपको इंटरडे ऑलरेडी मिल गया। अजीत ज़रा दोनों के चार्ट चेक करके बताएं, HDFC लिमिटेड और बैंक। बिल्कुल अजय, देखिए जब बैंकिंग की रिकवरी की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले इन दोनों ट्विंस ने ही कंट्रीब्यूट करना शुरू किया था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है करीब 2050 के अराउंड पे HDFC लिमिटेड में, और वहाँ से एक अच्छी रिकवरी आई है। बट अभी भी मल्टीपल चैलेंजेस हैं जो एवरेजेस के तौर पर अभी डेली चार्ट पे बने हुए हैं करीब 2300-2400 के जोन में। तो डेफिनेटली जो डिक्लाइन था वो तो मेरे हिसाब से ओवर हो चुका है, ये बॉटम मेरे हिसाब से, आई डोंट थिंक कि ये 2050 के लेवल को दोबारा से रीटेस्ट करना पॉसिबल है इन द नियर फ्यूचर। बट हाँ, अपसाइड थोड़ा सा कैप लग रही है, मोमेंटम थोड़ा सा कैप लग रही है, तो वो एक फैक्टर ध्यान में रखने वाली बात है। एग्जिस्टिंग आपकी पोजीशन डेफिनेटली यू शुड मेंटेन 2200 का स्टॉप लॉस, और ग्रेजुअली आप देखेंगे 2350 से 2400 तक के टारगेट्स HDFC लिमिटेड में। बैंक ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बट 1250 का जोन है जो कि इसका बेस है, और ऊपर पे करीब 1425 से लेकर 1450 जहाँ पे कि इसके मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस है, वो एक एरिया की तरह एक्ट करेगा। और अगर आपको कंपैरेटिवली यू नो इस सेक्टर में चाहिए जहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो ICICI बैंक शुड बी द प्रेफर्ड बेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि जितना भी अभी हमने डिक्लाइन देखने को मिला है, ICICI अभी भी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहा है, और आज के सेशन में 1% नीचे है। मेरे हिसाब से 720 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल इसमें पोटेंशियल है 765 से लेकर 780 तक के टारगेट्स रीटेस्ट करने के। ऑलराइट, तो क्लियरली ये राय बैंकिंग स्पेस पर, HDFC पर पर्टिकुलरली आपको मिलती हुई सालाना रिपोर्ट और उसके टेक अवेज आपके टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर। लेकिन इस बीच अजय, कुछ समय पहले क्रेडिट कार्ड के ट्रैक्शन पर हम बात कर रहे थे, और SBI कार्ड्स आज देखिए एक शार्प अप मूव यहाँ पर दिखाते हुए। विभोर, आपसे एक बार राय जानना चाहेंगे, SBI कार्ड्स में हम देख रहे हैं बढ़त के साथ कामकाज, इनफैक्ट कुछ समय पहले के चार्ट्स अगर इसके देखें, अच्छी तेजी के बीच इसने ट्रेड जरूर कर दिखाए हैं, पिछले 6 महीने में बढ़त यहां पर नजर आती हुई जरूर दिखी है। क्या लगता है आगे यहां से और तेजी और ट्रैक्शन बढ़ता दिखेगा? नो डाउट SBI कार्ड में मैम, सबसे पहले 715 का जो लो बना था वो 4 मार्च को बना, फिर वापस से ये 2 महीने बाद 13 मई को आया, 2 बार 3 बार 710 715 से बाउंस लिया, और यहाँ पर जो एक गैप था वो भी अभी 2 दिन पहले फिल हो गया 788 पे। मेरे हिसाब से स्टॉक में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बहुत छोटा सा, 790 पर, 790 के ऊपर स्ट्रेट अवे 850, और यहाँ पर एक छोटा सा गैप भी है 869, इजिली टच कर सकता है। ऑलराइट, तो क्लियरली ये राय मिलती हुई दिख रही है। इस बीच कुछ